powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. इंजीनियरिंग या डॉक्टर बनने के इच्छुक छात्रों को सबसे पहले जो सवाल परेशान करता है वो यह होता है कि आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए उन्हें कोई कोचिंग संस्थान कब ज्वाइन करना चाहिए, और एक सवाल यह भी होता है कि क्या ट्वेल्थ के बाद भी कोचिंग संस्थान ज्वाइन करके अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट अलमनस ऑफ आईआईटी खड़गपुर और मैनेजिंग डायरेक्टर स्कॉलर्स डेन मिस्टर विवेक ठाकुर जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले 14 सालों से इस क्षेत्र में युवा पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जैसे आपने सुना, जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो स्कॉलर्स डेन के डायरेक्टर मिस्टर विवेक ठाकुर जी, जिनको मुरादाबाद में वीटी सर के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सर से आज बात करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानते हैं जो बच्चों और माँ बाप जो समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली आईआईटी नेट और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सर आज बताएंगे। तो सर का स्वागत करते हैं और बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सर। जैसे ये हमारे एक टॉक शो है, इस पर हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं कि बच्चों पे, जैसे आज का जो हमारा स्पेशली शो है वो हमारा उद्देश्य ये है आपको बुलाने का कि जो माँ बाप परेशान है, क्योंकि बच्चे इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको बेसिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, और जो माँ बाप हैं वो गाइड नहीं कर पाते क्योंकि बच्चे समझा नहीं पाते और माँ बाप समझ नहीं पाते कि भाई ये आईआईटी के लिए क्या करना पड़ेगा और अगर डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। तो माँ बाप कहीं पजल होते हैं, तो थोड़ा सा उन पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगा थोड़ा समझाएँ सर क्या है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो एक आईआईटी के लिए, नीट के लिए जो, या फिर किसी करियर के लिए बच्चे या पेरेंट्स अक्सर परेशान होते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चे और पेरेंट्स एजुकेशन पे और लर्निंग पे ध्यान दें। हम अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में हैं जहाँ पे एवरीवन इज़ चेजिंग मार्क्स, है ना जी। उस मार्क्स को चेज करने में क्या होता है, बच्चों के ऊपर एक अननेचुरल सा प्रेशर आ जाता है, जबकि अगर बच्चे लर्निंग को एंजॉय कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो मैं अक्सर देखा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका फोकस इंजीनियर या डॉक्टर बनने पर नहीं है, बल्कि जो सब्जेक्ट है उसे एंजॉय करने पर है। तो उस केस में क्या होता है, चीज़ें बहुत ही नेचुरली बच्चा अचीव करता जाता है और उसे कभी स्ट्रेस नहीं होता है। तो मैं पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करें सब्जेक्ट्स में। अच्छा, इंटरेस्ट क्या है वो खुद ब खुद से आता नहीं है, आपको मेंटर्स की, अच्छे मेंटर्स की जरूरत पड़ती है। तो अच्छे मेंटर्स की प्रेजेंस में क्या होता है कि उस सब्जेक्ट की जो आप सरफेस लेवल पे हैं, शैलो लेवल पे हैं, आप उसकी गहराइयों में जब जाते हैं तो वो बहुत मज़ा आता है। जैसे मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एआर रहमान का गाना सुने तो कई बार क्या होता है कि पहली दूसरी बार में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप उसे बार बार सुनते हैं तो उसका एक नशा सा आपको चढ़ने लगता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। तो एजुकेशन वैसा ही है कि अगर आप उसमें आप गहराई में उतरोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैंने अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि पेरेंट्स आके मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमारी फैमिली जो है गोवा ट्रिप पे जा रही है, ठीक है, और ये बच्चा जो है मना कर रहा है, बोला मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। तो आजकल के सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि मेरे पास स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आती है कि बच्चे को आप कह दीजिए कि हमारे साथ चला जाए। तो नहीं, आपने सर वो जगह बना रखी है ना बच्चों के दिल में और बच्चे समझते हैं इस चीज़ को। नहीं देखिए, उसकी वजह यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब ट्रुथफुली, ऑनेस्टली अगर परसू कर रहे हैं तो देखिए उस ऑनेस्टी में बच्चा भी उस फीलिंग से जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं जो रिस्पेक्ट या जो भी चीज़ें मिलती हैं वो वहीं से मिलती हैं। अच्छा सर, जैसे बच्चा किस एज से ये स्टार्टिंग करे इसकी कोचिंग, और बेसिकली कि वो कैसे चूज़ करे कि यार मुझे इंजीनियर बनना है। जैसे अगर हम किसी ट्वेल्थ क्लास में जाते हैं या टेंथ क्लास में जाते हैं तो वहाँ 90% बच्चा ये कहता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो समहाउ उसकी कब से प्रिपरेशन करनी चाहिए और उस प्रिपरेशन के लिए उसको क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कन्फ्यूज्ड हैं और माँ बाप भी कन्फ्यूज्ड हैं कि वो कहीं जगह उनके पैसे भी ख़राब होते हैं, बहुत सारी जगह उनको टेंशन्स होती हैं, तो उसमें सर क्या रहता है अपना। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि बहुत बार क्या है ना कि बच्चे जो हैं और पेरेंट्स ना एक कंक्लूजन बहुत जल्दी पहुँचना चाहते हैं कि हम, मेरा बच्चा जो है इंजीनियर मटेरियल है या डॉक्टर मटेरियल है, ठीक है, या ये बन के ही आया है ऐसा मटेरियल कि इसको एक बड़ा डॉक्टर बनना है। देखिए,
मैंने कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो वाकई में बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं, जैसे आप जान के आश्चर्य होगा कि इस समय कंट्री के जो टॉप के एक्ट्रेस वगैरह भी जो आ रहे हैं, जैसे एक वेब सीरीज़ आजकल पंचायत और इन सब जो काफ़ी हिट है, उसका जो लीड एक्टर है वो मेरे IIT का जूनियर है, जो जीतू भैया हैं, ठीक है। और जो वेब सीरीज़ बनाने वाली जो कंपनी है TVF द वायरल फीवर, वो मेरे फ्रेंड अरुणाव कुमार की है, हम लोग साथ में IIT में पढ़े थे, हमने साथ में प्लेस वगैरह भी किए थे। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है कि पेरेंट्स और बच्चे ना रश थ्रू करना चाहते हैं कि मैं इसके लिए बनाऊं। मैं ऑलवेज कहता हूं कि भाई यू जस्ट फोकस ऑन लर्निंग, लाइफ विल अल्टीमेटली लीड यू टू अ प्लेस जिसके लिए आप बने हो, इसमें जल्दी नहीं करनी है। तो पेरेंट्स बहुत जल्दी कंक्लूड करना चाहते हैं जब मेरा बच्चा इंजीनियरिंग मटेरियल है, मेडिकल मटेरियल है। मैंने कई बार ऐसा भी देखा है स्टूडेंट्स को कि पेरेंट्स के कहने पे या रिलेटिव्स के या दोस्तों से सुन के उसने एक मन बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है। हां, ज्यादातर होता यही है। हां, मतलब उसका अंदर से नहीं है, उसको क्या है ना, एक परसेप्शन बन गया कि डॉक्टर बनना जो है उसमें तो चार्म है, उसमें तो बहुत पैसा है, उसने उस बेस पे डिसीजन ले लिया, उसका रियल इंटरेस्ट है या नहीं है। अब पता चलता है एक साल बाद जाके उसे रियलाइज होता है तो फिर वो स्ट्रीम चेंज करता है। मैं तो आपको एक ऐसा एग्जांपल बताऊंगा, आप शायद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। US के एक टॉप सर्जन जो है इस समय, वो IITian है। अच्छा। तो जब वो IIT से निकले पढ़ाई करके, तो उनको एक दो साल बाद ऐसा लगा कि ही इज नॉट मेड फॉर बिकमिंग इंजीनियर, तो उन्होंने फिर MBBS किया, फिर MD किया, एंड देन ही बिकेम अ डॉक्टर। और मेरे साथ एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, 2017 में मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, IITs में कुछ बोनस मार्क्स का इशू हुआ था, तो मैंने केस लड़ा था। तो जब हियरिंग के बाद मैं बाहर आया तो वकील की लिबास में ब्लैक कोट पहने हुए, वाइट ब्लैक ड्रेस में एक आदमी मुझे मिला, मुझसे कहता है आप विवेक हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं राजीव सिन्हा IIT बॉम्बे से। तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि यार वकील की ड्रेस में सामने एक आदमी खड़ा है और वो कह रहा है वो IIT बॉम्बे से। तो बाद में पता चला कि उन्होंने IIT से BTech करने के बाद फिर LLB करी, और उन्हें चूँकि इंटरेस्ट उनका ओरिजिनल जो है वो इसमें था, वकालत में, तो वो वकील बने। कई सारे ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो सिविल सर्विसेज में जाते हैं IIT के बाद चले जाते हैं। बिल्कुल, आप चेतन भगत को देख लीजिए, जब चेतन भगत मुरादाबाद आए थे तो उस जिगर मंच पे जो कार्यक्रम हो रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा कि आपको ऑथर बनना था तो IIT क्यों गए, आप इंजीनियर क्यों बने? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी जल्दी ना करें बच्चों को लेके, बच्चों को चीज़ों को एक्सप्लोर करने दें, फ्री छोड़ दें, ठीक है, कोई बात नहीं है। बच्चा अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, ठीक है, हो सकता है इंजीनियर नहीं बने, लेकिन जो वो सीख रहा है, जो वो सीखेगा, मेहनत करेगा, वो हमेशा काम आएगा जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं तो अगर सीखने में देर हो गई या नहीं बन पाया तो फिर उसका करियर भी तो कहीं वो होगा, पेरेंट्स कहेंगे कि यार कुछ करा ही नहीं तुमने, समय निकाल दिया। नहीं, वो बिल्कुल सही कहना आपका, इसलिए मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि देखिए 6th क्लास से 7th क्लास के ऐसे आजकल बच्चे आते हैं, और मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि वो आइडियल एज है, क्योंकि ना बच्चों को समय काफ़ी मिल जाता है एक्सप्लोर करके 6th 7th में जो बच्चे। अच्छा, मतलब 6th 7th से मतलब आप एक उनका मतलब माइंड सेटअप करते हैं पहले? हाँ, मतलब 6th 7th जैसे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं तो वो 2-3 साल पढ़ के 8th 9th तक वो काफ़ी हद तक समझ जाते हैं कि हाँ मैं, मेरे लिए क्या चीज़ बेस्ट है। तो आई ऑलवेज प्रेफर द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, मतलब किसी बच्चे पे कुछ थोपो मत आप, उसको रियलाइज करने दो, एक्सप्लोर करने दो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर उसे और टाइम लगे, 6th 7th में बच्चा आ रहा है, ठीक है, वो एंजॉय कर रहा है वो सब्जेक्ट्स को, और वो कहीं ना कहीं पैशनेट हो जाता है, मतलब तो कहता है कि सर मुझे तो आर्ट्स में जाना है, तो अलाउ हिम। जबकि मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, तुम्हारे इंग्लिश में अच्छा इंटरेस्ट है तो तुम इंग्लिश में आगे बढ़ो। हमारे अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया है कि भाई या तो इंजीनियर बनना है डॉक्टर, जबकि बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर। लेकिन सर जैसे हम मतलब स्कॉलर डेन में है तो काफ़ी कुछ चीज़ों पर बच्चों पर ध्यान रखा जाता है, जैसे बच्चे 8-8 घंटे अगर पढ़ते हैं तो 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते ही रहते हैं क्या? नहीं, देखिए ये आपका कहना सही है कि स्कॉलर्स में काफ़ी सारे बच्चे दिन भर रह के वहाँ पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो ये कल्चर काफ़ी पिक कर रहा है जी। और ये शायद कल्चर लाने वाले भी आप ही हैं शायद सर? नहीं, थैंक यू। हाँ, ये स्कॉलर्स डे का इनोवेशन है और हम मुरादाबाद वालों को डेफिनेटली प्राउड होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट ऑल ओवर इंडिया कॉपी हो रहा है, एंड वी आर द पायनियर्स ऑफ दैट। देखिए उसमें क्या है, हमने एक जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है उसमें क्या है कि वहाँ पे हमने जिम भी रखा हुआ है, मिनी जिम है, बच्चे एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमने और भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कैंटीन है, तो कैंटीन में बच्चे बैठ के साथ में कुछ डिस्कशन कर लिया। तो ओवरऑल एक ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की है जहाँ पर बच्चे पढ़ें लेकिन पढ़ने का स्ट्रेस ना हो जी। तो जब आप कोई चीज़ इन्जॉय कर रहे होते हैं तो बर्डन नहीं लगती है, वो बर्डन तब लगती है जब आप उसको इन्जॉय नहीं कर रहे होते। अच्छा सर, जैसे आपके पास बच्चा आता है जो कोचिंग आपके इंस्टीट्यूट में, अब वो मान लीजिए 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो आप जो उसको स्टडी कराते हैं उसकी 12th की भी कराते हैं, उसके साथ साथ ही ये प्रिपरेशंस की भी कराते हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स को लेके इसको मिसकंसेप्शन रहता है।
देखिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप चाहे आईएएस का उठा लो जी, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, ठीक है, वो जो स्कूल का करिकुलम है उसी पे बेस्ड है, डिफरेंट नहीं है। जैसे आईआईटी का या नीट का, ये सब कुछ स्कूल के करिकुलम में बेस्ड है जी। होता क्या है, जब एक सुपरफिशियल लेवल पे हम बच्चों को चीज़ों को रटा देते हैं। देखिए हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि रोट लर्निंग ज़्यादा है जी, बिल्कुल। बच्चों को गहराई में समझाने के बजाय उसे कहते हैं कि रट लो, तो वो बच्चा जब उस उन्हीं टॉपिक्स को जब गहराई में पढ़ लेता है तो वो दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकता है जी। तो हम डेफिनेटली उन्हीं चीज़ों को बहुत डीपर लेयर्स में ले जाकर समझाते हैं ताकि बच्चा जो है उसको मतलब बिल्कुल एक तरीके से महसूस कर सके। अच्छा, मतलब समाओ हम कह सकते हैं राइट ब्रेन टेक्निक से पढ़ाते हैं आप, कुछ ऐसा कह सकते हैं क्या कह जैसे राइट ब्रेन टेक्निक। राइट ब्रेन टेक्निक में जैसे स्पेशली मतलब वर्डिंग्स पर ध्यान दिया जाता है, उसको मतलब किस तरीके से तो महसूस कर पाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिविटी के साथ वो बिल्कुल। मतलब मेरी क्लास में मैथमेटिक्स में बच्चे कहते भी हैं कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट फील नहीं हुआ। हाँ, तो मतलब ये कुछ क्रिएटिविटी, हाँ मतलब महसूस करने वाली बात। तो आप मैथमेटिक्स को भी रियल लाइफ में महसूस कर सकते हैं। तो जब बच्चा वो फील कर लेता है तो उसके लिए बोर्ड एग्जाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको जान के गर्व होगा कि इस साल ऑल इंडिया टॉपर जो 12th बोर्ड में आया PCM में, वो मुरादाबाद का बच्चा है, वो मेरा स्टूडेंट है संयम सक्सेना, 98.4%। तो आप सोचिए कि हिस्ट्री में हमने पहली बार ये भी काम किया है कि इस देश में इतने बड़े बड़े शहर हैं उन सबको छोड़ के मुरादाबाद के बच्चे ने 12th बोर्ड में ऑल इंडिया टॉप किया है। और देहरादून रीजन के तीन टॉपर्स 97.6%, 98% और 98.4%, तीन टॉपर्स देहरादून रीजन के, वो हमारे इंस्टीट्यूट से आए। अच्छा, ग्रेट सर, ग्रेट। तो आप समझिए उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि आप चीज़ों को गहराई में जाके समझो, इन्जॉय करो, एवरीथिंग बिकम्स ईजी। क्या आपका बच्चा विजुअल लर्नर है या ऑडिटरी लर्नर? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो ब्रेन वेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा सर, एक मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि आप जैसे आप तो मुरादाबाद को बिलोंग करते नहीं, लेकिन सर मुरादाबाद आके आपने पूरा सेटअप डाला, इतना कुछ करा मुरादाबाद के लिए, तो क्या आपको कुछ ऐसा लगा कि मुरादाबाद में पोटेंशियल ज़्यादा है? नहीं देखिए, उसके वो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं उस, और मेन रीज़न क्या है कि जब मैं मुरादाबाद कभी वंस इन अ वाइल आता था, कुछ मेरे रिलेटिव्स मुरादाबाद में रहते हैं, तो मैं उस समय दिल्ली में सेटल्ड था, द्वारका में जी। और मैं वहाँ से पढ़ाने जाता था अलग अलग सिटीज़ में जी जी। क्योंकि एयरपोर्ट पास में था। तो जब मैं आया तो मुझे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी यहाँ पे कि यहाँ बच्चों में टैलेंट है, ठीक है, उन्हें आज तक कभी नर्सरिंग नहीं मिली इस डायरेक्शन में। बच्चों को एक जनरल एटमॉस्फेयर जो मिला था जब मैं आया था उससे पहले, वो ये है कि 12th की तक तुम जो बोर्ड एग्ज़ाम दे के नंबर ले आओ, इंजीनियरिंग मेडिकल के बाद में देखेंगे। तो मुझे ये लगा कि कंप्लीट वैक्यूम है यहाँ पे। और मैं शुरू से आउटलुक ये रहा है कि जब आप बिज़नेस भी करते हो या कोई भी काम करते हो तो उसमें एक सोशल एस्पेक्ट होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ लगी कि अगर मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ, कोचिंग आप कहीं भी खोल के दो पैसे कमा सकते हैं, ये बड़ा इशू नहीं है, तो यहाँ पे सोसाइटी को मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगा, इस शहर को कुछ मैं दे पाऊँगा, शायद मेरी ज़िंदगी की कमाई होगी। क्योंकि एक एज अ टीचर सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब आपके बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। बाकी सर मुरादाबाद में पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा है भी? नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए मुरादाबाद में पेरेंटेज बच्चों की बहुत अच्छी है जी। दूसरी चीज़ स्कूलिंग यहाँ अच्छी है, ठीक है, और सबसे तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी, जो मैंने अभी कह भी रहा था कि अनटैप्ड, मतलब इसे कहते हैं ना, सो अभी छुआ ही नहीं है किसी ने। हाँ, मतलब बच्चों में टैलेंट है, उनको किसी ने गाइड ही नहीं किया, तो उनको एक रास्ता मिला तो वो डेफिनेटली कमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा सर, थोड़ा सा अपना स्कॉलर टेन का प्रोसेस समझाइए, मतलब जैसे कोई आपके एडमिशन कराना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? ठीक है, उसमें सबसे पहला जैसे आप स्कॉलरशिप्स वगैरह भी शायद कुछ देते हैं। हाँ, देखिए वो हमने एक सिस्टम बनाया है कि जब बच्चा हमारे पास आ रहा है तो हम ये भी देखते हैं कि बच्चा कितना कोप अप कर पाया कि नहीं। कोप अप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे स्कूल में आपने देखा होगा कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसको क्या करते हैं, उसको क्लासेस से एग्जाम कर देते हैं, ठीक है, वो बच्चा अलग से ट्रेनिंग लेता है, ठीक है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता है, स्कूल टाइम से ही होता है। और दंगल मूवी का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही काम जब हम एजुकेशन में करते हैं तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। लोग कहते हैं कि यार बच्चों को आपने 6 से ही बर्डन डाल दिया, ठीक है, कुछ लोग इसमें मजाक बनाने लगते हैं कि यार मेरा बच्चा अभी LKG में, आप उसकी भी कोचिंग दोगे क्या? तो आप समझने की कोशिश करिए कि जब महावीर सिंह फोगट जो है जब छोटे छोटे बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं, सुबह उठा के दौड़ा ले जाते हैं, तो लोगों को बड़ा रोमांटिक लगता है, ठीक है। और जब वही चीज़ वही स्पेशल नीड्स जो बच्चों की है एजुकेशन में, उनको हम कोचिंग देते हैं तो लोग क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं कि यार आप छोटे से बच्चों का बचपन खराब कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे थे कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हमने जो बनाया हुआ है कि पहले हम एक टेस्ट लेते हैं। टेस्ट से हम देखते हैं कि भाई ये बच्चा वाकई में
इसकी स्पेशल नीड्स हैं क्या, मतलब ये एकेडमिक्स में इसको जितना स्कूल में मिल रहा है उससे एक्स्ट्रा चाहिए जी। इसमें वो पोटेंशियल है तो उसके बेसिस पे फिर हम उसे स्कॉलरशिप देते हैं। अच्छा। स्कॉलरशिप एक तरीके से समझिए ग्रीन सिग्नल होता है हमारी तरफ से कि नहीं भाई हमारी तरफ से बच्चा जो है ये ओके है कि इसको आप कराइए, तो वो अलग ग्रेडेशन में है। अच्छा, कि भाई एक बच्चा हम बिल्कुल आउटराइट लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए बना है कि आप इसको इसको एक्स्ट्रा नीड्स हैं, ही नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन, तो आप उसे भेज दीजिए। तो एक ग्रेडेशन बनाया है, क्योंकि रितेश जी आप इस बात को समझिए कि बहुत से ऐसे बड़े नाम रहे हैं इस विश्व में जो इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छे नहीं थे। कई तो ऐसे बड़े सिंगर हैं जिनको ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था और बाद में बड़े सिंगर बने। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों की जो एबिलिटीज़ है ना उनको हम इमिडिएटली जज नहीं कर सकते, बच्चा भी एक पर्सन इन मेकिंग है। तो वो जो सिक्स्थ में हम एसेस कर रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल खराब हो सकता है, बच्चा वो नाइन्थ में जाके बहुत ब्राइट हो जाए। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हम पेरेंट्स को एक तरीके से गाइड करते हैं कि आप इस बच्चे को एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए। तो सर इसके लिए जैसे कुछ मतलब कुछ टेस्ट वगैरह भी करते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं बच्चे के, आजकल तो CBSE बोर्ड ने भी मैंडेटरी करा है। ब्रेन वेव्स के इंटरेस्ट प्रोफाइल टेस्ट के साथ आप अपने बच्चे के कैरियर को नई दिशा देने के साथ साथ उनको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। हाँ डेफिनेटली, मतलब उसी लाइन पे है हम उसमें, मतलब एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इस मारे करा कि मैं ये सब काम करता हूँ ना ब्रेन वेव, तो ये थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा था अपना। हाँ नहीं नहीं नहीं, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो आप कह रहे हैं वो डेफिनेटली उसमें होता है, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंसेस मैथमेटिक्स उसे और बच्चे में निखार आ सकता है। हाँ, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर। अच्छा सर, अगर कोई जैसे फाइनेंशियली थोड़ा वीक है और वो पढ़ने में बच्चा चाहता है तो उसको इस कोलाडेन क्या सुविधा देता है? देखिए मैं इस सिलसिले में आपको एक बात बताना चाहूँगा। आज से 2 साल पहले हम लोगों ने एक काम किया था, एक इनिशिएटिव लिया था, हमने स्कॉलर 30 करके एक बैच बनाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कोलेबोरेशन में। अच्छा। जिसमें हमने UP बोर्ड के तमाम जो स्कूल्स हैं अपने मुरादाबाद मंडल में वहाँ पर एग्ज़ाम्स कराया था, और 30-30 बच्चे हमने 9th, 10th और 11th के सेलेक्ट किए थे। अच्छा। और हमने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हमने रखा था, ठीक है। और इनफैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एंट्री गई थी प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए, वो एंट्री भी ये हमारी थी, स्कॉलर 30 के जो आइडिया था वो गया था एज ए एंट्री ऑफिशियली। और नो डाउट हम जो भी बच्चे गरीब हैं लेकिन उनमें टैलेंट है, ठीक है, उनको हम हर संभव मदद देते हैं। तो दोस्तों आपने सुना सर की बात और सर ने कितने अच्छे से बताया, अगर आप में टैलेंट है तो एक बार आप स्कॉलरडेन पे सर से स्पेशली मीट करिए। सर आपसे डायरेक्ट कोई तो मिल सकता है आगे, कोई भी अगर कोई मिलना चाहे? हाँ डेफिनेटली मिल सकते हैं, आप ऑफिस आएंगे तो जो भी वहाँ पे स्टाफ है वो आपको मदद करेंगे। मतलब कोई भी पेरेंट्स अगर मतलब जो शो को देख रहे हैं या अवेयर है, मतलब कुछ अगर बात करना चाहते हैं तो वो आपसे आके आपसे डेफिनेटली मिल सकते हैं। और मैं डेली मतलब घंटे दो घंटे समय इसलिए निकालता हूँ क्योंकि आजकल जो समय चल रहा है बड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमारा आपका बचपन बड़ा आसान था क्योंकि इतने गैजेट्स, इतने डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, इतने सारे आउटलेट्स नहीं थे कि मतलब डोमिनोज भी है चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है मॉल भी है वहाँ चलते हैं, तो हम लोग का बचपन रिलेटिवली ईजियर था। तो आजकल पेरेंट्स और बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इनकाउंटर करते हैं, तो मेरे पास आते रहते हैं पेरेंट्स। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी पेरेंट्स इस शो को देख रहे हैं तो एक बार सर से ज़रूर मिलें, एक बार गाइड करें, एक बार समझें चीज़ को, हो सकता है सर कुछ गाइड कर पाएँ। और इस मतलब सर को किसी पहचान की तो ज़रूरत है ही नहीं, बाकी आप सब भी काफ़ी होशियार हैं, काफ़ी समझदार हैं, सब चीज़ें आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे हम आपकी फेसबुक देख रहे थे तो उसमें आप काफ़ी सारे मोटिवेशनल कोट्स पे काम करते हैं, बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं। तो सर जिन बच्चों के मार्क्स कम रह जाते हैं, बच्चे बड़े निराश हो जाते हैं और वो जो निराशा है उनके अंदर कहीं घर कर जाती है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के मार्क्स कम आ गया, वो निराश हो गया, वो आपके बार बार स्कॉलरडेन पे आ रहा है लेकिन तब भी वो कुछ पिकअप नहीं कर पा रहा, तो क्या उसके पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ मोटिवेशनल भी उस पर कुछ काम करते हैं? देखिए डेफिनेटली जब भी मैं क्लासेस लेता हूँ, मैं खुद मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मैं डेफिनेटली हर क्लास में कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ बच्चों को। और जैसे आप मोटिवेशन कह रहे हैं उसे मैं दरअसल समझता हूँ उसको ज़िंदगी की समझ समझता हूँ। हमारे यहाँ क्या है, ज़िंदगी की समझ के लिए कोई टेक्स्ट बुक नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम बच्चों को सारी चीज़ें तो पढ़ा देते हैं। मतलब बेसिकली है कि स्कॉलरडेन जीना भी सिखा रहा है। बिल्कुल, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मतलब आप बच्चों को हमारे पास भेज रहे हैं तो हम इसे फ्यूचर के लिए मतलब लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं, ज़िंदगी को समझा रहे हैं कि ज़िंदगी समझ क्या है। तो उसी में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि बच्चों को जो है मोटिवेशन, तो मैं कहता हूँ कि देखिए बच्चे जो आ रहे हैं उनको हम एक बार लाइफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट्स हैं बड़े छोटे हो जाते हैं बच्चों के लिए।
और यही बच्चे समझ नहीं पाते और जब बड़े हो जाते हैं उन्हीं में भटकते रहते हैं। जैसे आप देखिए आयरनी कितनी बड़ी आयरनी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मूवी में ये बोला कि सबके पास सक्सेस का प्लान है लेकिन फेलियर का प्लान नहीं है और अल्टीमेटली उन्होंने खुद सुसाइड कमिट किया। तो इससे बताता है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। तो स्कॉलर्स के थ्रू मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और हम लोग हमेशा बच्चों को यही इनकरेज करते हैं कि देखो आप कभी भी एग्ज़ाम के मार्क्स पे फोकस मत करो। पेरेंट्स से ही मैं कहता हूँ जो आप कह रहे थे मोटिवेशनल कोट्स के थ्रू, मैं अपनी जो एक फिलॉसफी है वो बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं डिवाइस हुआ है जो किसी बच्चे की एबिलिटीज़ को जज कर सके। कोई भी एग्ज़ाम देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूँ जैसे चेतन भगत कितने बड़े ऑथर हैं, ठीक है, उनके 10th क्लास में 66% मार्क्स थे। तो जिस बच्चे के 66% मार्क थे वो तो एक तरीके से आज के रेट में अगर आप 66% मार्क्स, आईआईटी वाले पूरी रिसर्च रखते हैं सर अपने पास नहीं देखिए वो तो जिंदगी का तजुर्बा है, तो 66% मार्क्स मात्र थे। आप सोचिए 66 या 76 ऐसा ही था क्योंकि वो मुझसे मिले थे, मुरादाबाद जवाए थे, तो हमने सारी बात शेयर की थी। आप सोचिए तो दुनिया की नज़र में आज के रेट में वो तो फेल्योर है। सही बात है। और मेरा एक फ्रेंड बताऊं जो इस समय इंटरनेट पे उसकी स्टोरी बहुत वायरल है, आप भी अगर सर्च करिएगा गूगल पे राजीव डंडोतिया, मैं बच्चों से कहूंगा आप सर्च करिए, वो मेरे साथ पढ़ा हुआ है आईआईटी में और आज के डेट में उसकी स्टोरी इंटरनेट पे वायरल है, लोगों ने बहुत शेयर की। उस स्टोरी में क्या खास है कि वो बच्चा जो है वो 39% मार्क्स मात्र 12th बोर्ड में लाया था और उस बच्चे ने आईआईटी से पढ़ाई करी, मेरा बैचमेट था, उसको हम डंडू भाई बुलाते थे कैंपस में, और वो कोपेनहेगन में एक बहुत बड़ी फॉर्म में रिसर्च के पोस्ट में और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज में बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स। और आप सोचिए सिर्फ 39% मार्क्स आए थे और वो इतने गरीब फैमिली से थे कि वो कोचिंग बाकी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक बुक सेलर जो उनके साथ में सेकेंड हैंड किताब बेचने की दुकान थी उनसे पूछा कि मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ जिससे मैं अपनी फैमिली को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल सकूँ। उसने एडवाइस किया कि तुम आईआईटी की तैयारी करो और वो बच्चा सोचिए आईआईटी क्लियर कर रहा है। तो जो बच्चे मार्क्स को लेके हतोत्साहित हो जाते हैं उन्हें समझना चाहिए कि मार्क्स तो आपकी कैपेबिलिटीज़ को जज ही नहीं कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं आपके सामने। आप सिंपली एक बात समझिए कि देखिए आपको एफर्ट देना है, रिजल्ट जो भी आए, क्योंकि देखिए आप कभी लाइफ में हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो आपने कोई गलती करी तो उससे आप सीखोगे, नेक्स्ट में आप बेटर करोगे। लेकिन सर जैसे आपने कहा मार्क्स कुछ वेरी नहीं करते, तो आज की तारीख में तो अगर हम कोई हायर स्टडीज़ पे जाते हैं तो जो कट ऑफ होता है वो तो बड़ा हाई जा रहा है, तो उस टाइम पे मतलब कि ऐसा हो जाता है? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, बट मेरा ये कहना है कि एक बच्चा है हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है, वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा है, बट दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ हिज लाइफ। लेकिन सर मतलब मेरे मतलब वैसा क्वेश्चन है कि मान लीजिए उसके मार्क्स तो कम आ गए लेकिन बच्चा बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत कुछ कर सकता है, तो उसको तो कहीं मतलब कुछ इंट्रो मतलब कहीं जा ही नहीं सकता, वो आईआईटी में भी नहीं भाग ले सकता? देखिए उसमें बच्चे को कहीं भी हतोत्साहित होने की डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है पेरेंट्स को भी, क्योंकि मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दुनिया की दो सबसे बड़ी टेक कंपनीज हैं, एक गूगल है और एक माइक्रोसॉफ्ट है। तो गूगल के सीईओ जो हैं सुंदर पिचाई, वो मेरे हॉस्टल के सीनियर हैं, मेरे आईआईटी से पढ़े हैं, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि यार सुंदर पिचाई देखो आईआईटीएन है, तो मैं कहता हूँ तुम सत्या नडेला को भी देखो, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, वो तो आईआईटीएन नहीं है, वो तो आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वो एक छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज से मणिपाल से पढ़ा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम फेल्योर को फाइनल मान लेते हैं जो कि गलत है। तो आप सोचिए कि मतलब जो बच्चा आईआईटी नहीं जा पाया वो कुछ नहीं कर पाया, ये गलत है? उसी के लेवल पे ऐसे बहुत सारे बच्चे पहुंचे हैं जो आईआईटी नहीं गए, छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं, तो हमें इसको लेके बहुत इसको बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। मेन चीज़ है नॉलेज। हाँ, नॉलेज, और सबसे ज्यादा मेन चीज़ है जिंदगी जीने की समझ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्कॉलर टेन दे रहा है। हाँ बिल्कुल, हमारा मतलब वी आर नॉट मतलब मेन फोकस पे काम, मेन फोकस उस वही है डेफिनेटली कि आप जिंदगी को जीना सीखो, और उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ये एग्जाम्स हैं, ये सब्जेक्ट उसके बहुत छोटा सा हिस्सा है। और कहीं ना कहीं मेरी कोशिश ये है कि फ्यूचर में इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस पे फोकस लाया जाए, एक जो मार्क सेंटिंग अप्रोच है ना, कि मतलब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को जो है रिजल्ट देने की मशीन समझते हैं, कि वो रिजल्ट आता है तो बड़े फख्र से फेसबुक पे शेयर करते हैं, ठीक है, और अगर उतना अच्छा नहीं आता है तो वो कहीं ना कहीं अपना जो गुस्सा है वो बच्चे पे निकाल। एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे जो पेरेंट्स हैं वो अपनी कुछ जो उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं वो बच्चों से पूरी कराने की सोच। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई, तो वो बच्चे उसमें प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है, और मैं इस बात में यही कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से कि देखिए बच्चे जो है ना, उनका आपके लाइफ में होना जरूरी है, ठीक है, वो क्या बने क्या नहीं बने वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को इतने स्ट्रेस में ना डालें कि वो बच्चा अपना जो नेचुरल जो एक फ्लेवर है वही खो दे। जैसे मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ,
मुरादाबाद से अक्सर बड़ी संख्या में बच्चे बाहर, आपने सुना होगा, फलानी जगह कोचिंग करने जाते हैं एक जगह पे। तो एक मदर जो हैं वो आज तक कभी भी मुझसे मिलती हैं, वो यहाँ के एक फेमस स्कूल में टीचर हैं, तो मुझसे एक बात कहती हैं कि सर मैं आपका ज़िंदगी में एहसान नहीं भूलूंगी क्योंकि आपने मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा दिया। तो वो बच्चा तैयारी करने किसी एक सिटी गया था और वो इतने डिप्रेशन में चला गया था कि उसका जो नेचुरल बिहेवियर था वही ख़त्म हो गया था। तो उसकी मदर मुझसे कहती थी कि सर ये बच्चा वो है ही नहीं जो गया था, ये कोई और वापस आया है। और एक साल में जब वो इस कॉलेज में पढ़ा तो धीरे 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 वापस वो उसमें आ गया। तो आप समझने की कोशिश करिए कि पेरेंट्स के लिए क्या मैटर किया। अल्टीमेटली फॉर हर व्हाट मैटर्ड, उनका कहना है कि भाई बच्चा मेरा इंजीनियर नहीं बना कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा जैसा था वैसा मुझे मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। तो पेरेंट्स इस पर फोकस रखें। लेकिन पेरेंट्स सर बड़ी देर में समझ रहे हैं आजकल, ये एक्चुअली थोड़ी सी इस तरीके का एक वो बन गया ना कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे, और ऐसे मतलब बहुत सारे मिथ हैं ऐसे जो पेरेंट्स और वो सब बच्चों पे लाद दिए जाते हैं। नहीं तो वहीं पे तो हमारा और आपका रोल आ जाता है, जो आपका मुद्गल शो है कहीं ना कहीं उसका रोल इसमें आ जाता है कि पेरेंट्स वो बात अगर तुरंत समझ जाते तो हमारा आपका रोल जो है ज़ीरो हो जाता। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के हम एपिसोड्स जो हैं करके पेरेंट्स तक जो है अवेयरनेस पहुँचाएँ, वैसे ही जैसे आपने देखा कि भाई कोरोना का भी एपिसोड चल रहा है तो लोग समझ नहीं रहे, लेकिन अवेयरनेस पहुंचाने का एफर्ट्स तो लोग कर ही रहे हैं, तो वही हमारा आपका रोल है जी। तो आप लोगों ने सुना कि सर ने कितनी अच्छी बात बताई, और मेरी हर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक बार सर से ज़रूर मिले किसी बच्चे के डिसीजन, कुछ भी करियर रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेना है, क्योंकि सर मुरादाबाद में एक बहुत मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि सर एक बहुत अच्छे गाइड के रूप में आपको, एक मेंटोर के रूप में काम कर सकते हैं, और हो सकता है आपको बहुत अच्छा भविष्य बच्चे को मिल जाए, क्योंकि बच्चा ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं जैसा सर ने बताया, क्योंकि बच्चे को जीने की कला आनी चाहिए। अच्छा सर, कुछ आप संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को या कुछ भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से? देखिए मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जो हर बच्चा है ना वो यूनिकली टैलेंटेड है, और हम कभी भी ऐसा ना करें कि हम एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करें। तो बच्चे का कंपटीशन खुद उससे है, कल जहाँ बच्चा था आज उससे वो बेटर हो, बस इतना काफ़ी है जी। हम जब उसे दूसरे से कंपैरिजन में डाल देते हैं तो वो बच्चा अननेसेसरी प्रेशर में आ जाता है और वो जो कर सकता है लाइफ में उतना नहीं कर पाता है। सर क्या पेरेंट्स की सुविधा के लिए हम आपका कोई नंबर फ्लैश कर सकते हैं अपने नंबर इस पे? कभी किसी को बात करनी हो तो नंबर डाल सकते हैं आप? देखिए मैं अपनी ईमेल आईडी जो है वो बता देता हूँ, वो आप फ्लैश कर दीजिएगा, तो वो बड़ा इजी है टूल, क्योंकि हाँ बाकी कोई अगर आपका सेंटर का नंबर हो वो भी फ्लैश कर सकते हैं। हाँ, है ना, वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने सुना, और सर से कुछ भी और जानकारी लेने आप मिल सकते हैं, उनके ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। और इसके साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने शो को टाइम दिया देखा, और सर का भी बहुत शुक्रिया सर शो पे आए। थैंक यू।